हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 2 हॉर्नबिल बुक में चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर की टाइटल है इस लेसन का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसको डिस्कस करेंगे। ये लेसन जो कि रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस लेसन में एक रियल स्टोरी है, एक एडवेंचरस स्टोरी है, एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है जिसका एक सपना था अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा करने का। क्या उसका सपना पूरा हुआ? क्या उसने ये समुद्री यात्रा की? हम देखेंगे इस लेसन में। कम एंड रीड दिस लेसन। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन, उसका बेटा जोनाथन, सिक्स का मतलब सिक्स ईयर, छह साल का बेटा जोनाथन, डॉटर सुजाने, सेवन ईयर्स, उसकी बेटी सात वर्ष की थी जिसका नाम सुजाने था, एंड आई सेट, और वो कहता है और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हमने अपनी यात्रा इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा शुरू की टू डुप्लीकेट यानी रिपीट करने के लिए द राउंड द वर्ल्ड वाइज समुद्री यात्रा मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। वो कहता है कि अपनी उस यात्रा को हमने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू किया, उसको दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा को, जो कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से मेरा ये सपना था और मेरी पत्नी मैरी का ये सपना था, मैरी एंड आई, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। वो कहता है कि वो एक 37 ईयर्स का एक व्यवसायी था, बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर की तरह उन्होंने समुद्री यात्रा करने का एक सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, और वो कहता है कि हमने अपने जीवन के 16 वर्ष, जो पिछले 16 वर्ष थे, वो लेजर का मतलब बिल्कुल खाली रहकर बिताए थे, अपने आप को अभ्यस्त किया था, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, समुद्री यात्रा की अपनी स्किल्स को होनिंग मैंने शार्प करने के लिए इन ब्रिटिश के वाटर्स में हमने इस प्रकार से अपने ये 16 वर्ष बिताए थे। वाटर्स वर्ड यूज किया है यहाँ पर, अर्थात ब्रिटिश के कई समुद्रों में उन्होंने जाकर प्रैक्टिस की होगी, यात्रा की होगी। आगे कहता है आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर, हमारी नाव जिसका नाम वेव वॉकर था, 23 मीटर, 30 टन, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और इसका वजन 30 टन था, लकड़ी की बहुत ही सुंदर
ये नाव बनी हुई थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको प्रोफेशनली बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने उसको फिट आउट करने में एंड टेस्टिंग इट, और इसका टेस्टिंग करने में महीनों लगा दिए थे इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, ताकि रफेस्ट का मतलब खराब, सबसे खराब मौसम में भी वो कारगर रह सके, वी कुड फाइंड जो भी हो सकता था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स, लेग का मतलब चरण, हमारी योजना का पहला चरण 3 वर्ष जो निर्धारित किया था हमने, 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, हमने 1,05,000 किलोमीटर की अपनी यात्रा अपने पहले चरण में प्लेजेंटली बहुत ही सुखद रूप से पूरी कर ली थी। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हमने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक की यात्रा की थी, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन, क्रूमैन नाविक होते हैं जो अनुभवी नाविक होते हैं, वो कहता है कि पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने 2 नाविक हायर कर लिए थे, अमेरिकन लैरी विजिल, जिनके नाम थे अमेरिका का रहने वाला लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विट्जरलैंड का रहने वाला हर्ब सेगलर था, ये दोनों हमने हायर कर लिए थे टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो कि हमारी सहायता हमारी मदद कर सकें और टैकल कर सकें संसार के उस सबसे खराब समुद्र की यात्रा करने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे थे द साउथर्न इंडिया इंडियन ओशियन, जिसका नाम था साउथर्न इंडियन ओशियन। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से जब हम अपनी यात्रा के लिए निकले थे उसके दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रोंग गेल्स, स्ट्रोंग गेल्स तेज हवाओं को कहते हैं, एनकाउंटर सामना करना, हमारा सामना तेज हवाओं से होना शुरू हो गया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले आने वाले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लीव कंटिन्यूअसली, ये तेज हवाएं लगातार या निरंतर बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये तेज हवाओं से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन इन लहरों का आकार बहुत ही डेंजरस था, अलार्मिंग था, अप टू 15 मीटर्स, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मास्ट मस्तूल को कहते हैं, जहाज के बीच में एक पिलर लगा हुआ होता है जो कि ऊंचा होता है ताकि दूर से ही दिखाई दे कि जहाज आ रहा है, जो कि हमारे मास्ट अर्थात उस मस्तूल से भी ऊंचा था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर तक हमने अपनी 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली थी ईस्ट ऑफ केप टाउन, और हम केप टाउन के पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे थे। डेस्पाइट एट्रोसियस, एट्रोसियस सबसे खराब वेदर मौसम, सबसे खराब मौसम होने के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक वंडरफुल हॉलीडे सेलिब्रेट किया, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ हमने एक वंडरफुल हॉलीडे सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे, अगला दिन नए वर्ष का पहला दिन था, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, हमने देखा कि मौसम में कोई भी सुधार नहीं हुआ था, बट लेकिन वी रीजंट, हमने सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि इसमें जल्दी ही कोई परिवर्तन हो जाएगा,
एंड इट डिड चेंज, और यह परिवर्तन हुआ भी, फॉर द वर्स, लेकिन जो मौसम पहले था उससे भी मौसम बहुत अधिक खराब हो गया था। एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जाइजेनेटिक, ये लहरें और भी अधिक विशाल हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम केवल अपनी जो समुद्री यात्रा कर रहे थे केवल एक छोटी सी स्टॉर्म जिब हमने लगाई हुई थी, अर्थात स्टॉर्म जिब का मतलब होता है कि एक जिब होती है सीप में जो कि स्टॉर्म को, तूफान को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। तो वो कहता है कि हमने एक छोटी सी स्टॉर्म जिब लगाई हुई थी एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और हम 8 knot की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। एज द सी प्रोज टू द टॉप ऑफ इच वेव, हमारा ये सीप जो कि प्रत्येक वेव, प्रत्येक लहर की टॉप पर, ऊंचाई पर ऊपर उठता था, यानी जब लहरें ऊपर उठती थी तो हमारा सीप भी उसके साथ ऊपर उठता था, वी कुड सी एंडलेस, और जैसे ही हमारा ये सीप ऊपर उठता था वी कुड सी एंडलेस, तो हम अथाह समुद्र को, कभी न समाप्त होने वाले उस समुद्र को देख सकते थे। एनोर्मस सी, एक बहुत विशाल समुद्र, रोलिंग टुवार्ड्स अस, ऐसा लगता था जैसे कि बढ़ता हुआ, रोलिंग करता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा के चीखने की आवाज, जब हवा चलती है उससे जो आवाज उत्पन्न होती है। एंड स्प्रे, और पानी की बौछारें, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए बड़ी पेनफुल थी, अर्थात पीड़ादायक थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने अपनी नौका को थोड़ा स्लो करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब को ड्रॉप कर दिया। एंड लास्ट मैंने बांधना, ए हैवी मूरिंग रोप, और एक भारी रस्से से उसको बांध दिया, इन ए लूप, एक लूप से अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं जहाज के पीछे वाले भाग को, जहाज के पीछे वाले भाग से एक लूप में उसको भारी रस्सों से बांध दिया। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, और आने वाले खतरे को भांपते हुए हमने प्रत्येक चीज को डबल लैस्ट कर दिया, अर्थात दोहरा या दुगना बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप्ड ड्रिल, और हमने कुछ अपनी जीवन रक्षक ड्रिल भी की, अर्थात ऐसे समय पर जीवन बचाने के लिए जो भी ट्रेनिंग दी जाती थी या दी गई थी वो ड्रिल भी हमने की। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स तारे होती हैं जो अपने से बांध लेते हैं, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमने अपनी लाइफ लाइन्स को, अर्थात उन तारों को अपने से अटैच कर लिया। डंड ऑयल स्किन्स, अपनी स्किन को समुद्र में गिरकर अपनी स्किन को बचाने के लिए, यदि समुद्र में गिरे या पानी में गिरे तो उससे स्किन खराब ना हो जाए, हमने अपनी ऑयल स्किन्स को भी पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए। एंड वेटेड, और हम आने वाले खतरे का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो पहला बर्बादी का या उस डिजास्टर का पहला जो इंडिकेशन आया वो ठीक 6 बजे आया था, विद एन ओमिनस साइलेंस, और उसके आने से चारों तरफ एकदम ओमिनस साइलेंस, चुप्पी हो गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई थी। एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश में बहुत ही काले बादल छा गए थे। देन केम ए ग्रोमिंग रोयर, तब एक दहाड़ती हुई आवाज आई। एंड एन एनोर्मस क्लाउड, और एक विशाल बादल, एक बहुत बड़ा बादल, टॉवर्ड आफ्ट द सीप, उस हमारे सीप की ओर बढ़ने लगा, टॉवर्ड बढ़ने लगा।
विद हॉरर, डर के कारण, भय के कारण, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि वह एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वो एक लहर थी, नो अदर आई हैड एवर सीन, दूसरी लहरों की तरह नहीं थी, अर्थात ऐसी लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये एकदम पूर्णतया सीधी दिखाई दे रही थी। वर्टिकल सीधा होता है, हॉरिजेंटल क्षितिज होता है, एंड ऑलमोस्ट ट्विस, और लगभग ट्विस, दो गुना, द हाइट, उसकी ऊंचाई दो गुना लग रही थी, ऑफ द अदर्स वेव्स, दूसरी लहरों से, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बहुत ही ड्रावनी और तेज आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। द रोयर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, और ये दहाड़ने की आवाज जो कि एक थंडर में परिवर्तित हो गई थी, बदल गई थी, एज द स्टर्न मूव्ड अप, और ठीक तभी जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठा, द फेस ऑफ द वेव, लहर के साथ, अर्थात उस लहर ने जहाज के उस पिछले हिस्से को ऊपर उठा दिया। एंड फॉर ए मोमेंट, और कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इससे पार हो जाएंगे या इसे पार कर लेंगे। बट लेकिन देन ये ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस बहुत बड़ा, बहुत विशाल एक्सप्लोजन, विस्फोट, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, सुक द डैक, और उसने जहाज को हिला दिया। डैक जो कि जहाज का चारों तरफ का भाग होता है, जो कि एक प्लेटफॉर्म होता है, चलने के लिए होता है, अर्थात उसने उसको हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, एक हरे और सफेद पानी का बहाव, ब्रोक ओवर द सिप, जहाज में भर गया, माई हेड समेस्ट इन टू द व्हील, और मेरा सिर जाकर एकदम व्हील में, अर्थात स्टेरिंग में लगा, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं एकदम से महसूस कर रहा था कि जैसे कि मैं ओवरबोर्ड से उड़ा जा रहा था, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी बढ़ती हुई मौत को मैंने स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था, आई फेल्ट जैसे कि कोई आदमी मृत्यु से पहले या किसी खतरे से पहले मोशनलेस हो जाता है, जैसे कि मैं ठीक उसी प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस खोकर उसके बाद आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपने आप को बहुत ही पीसफुल महसूस किया कि बस अब तो समाप्ति की ओर हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, मरने ही वाला हूँ, जैसे कि मरने से पहले कोई थोड़ा अपने आप को पीसफुल महसूस करता है। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, असंभावित रूप से, जिसकी संभावना भी नहीं थी, अचानक ही मेरा हैड, मेरा सिर पानी से ऊपर निकल आया, पॉप्ड आउट अर्थात बाहर आ गया, ए फ्यू मीटर्स अवे, मैं कुछ ही मीटर की दूरी पर था, वेव वॉकर से, वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो कि लगभग पलटने ही वाला था, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मास्ट भी, वो मस्तूल भी, वो पिलर भी जो जहाज के बीच में होता है, वो भी हॉरिजेंटल हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब ठीक उधर से एक दूसरी लहर आई जिसने कि उस जहाज को, सीप को अपराइट कर दिया, अर्थात सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड, मेरी लाइफ लाइन को झटका लगा, टॉट, और वो सख्त हो गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और मैं तैरता हुआ इन टू वेव वॉकर्स मेन बूम,
वेब वॉकर के मेन बूम में चला गया. सब्सिक्वेंट वेब्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक. उसके बाद लहरें आई, टॉस्ड मी, और उन्होंने मुझे फेंक दिया, पटक दिया अराउंड द डेक. अराउंड द डेक, डेक के चारों ओर मुझे पटका लाइक ए रैग डॉल. एक कपड़े की गुड़िया की तरह उन लहरों ने मुझे उस सीप के डेक के चारों ओर पटक दिया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसलियां टूट गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह रक्त से और टूटे हुए दांतों से भर गया था. समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी भी तरह से मैंने व्हील को, स्टेरिंग को पकड़ लिया. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए मैंने जहाज के पिछले भाग को सीधा किया. एंड हंग ऑन, और उस पर लटका रहा. वाटर वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पानी ही पानी था. आई कुड फील दैट द सी हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भर चुका था. बट आई डेयर्ड नोट अबंडन, अबंडन मैंने छोड़ना, द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए व्हील को छोड़ने का मुझ में साहस नहीं था, स्टीयरिंग को छोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं थी. सडनली अचानक ही द फ्रंट हैच, सामने वाला हैच, हैच दरवाजा होता है, जैसे कि दो दरवाजे होते हैं, डिवाइड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, तो वो कहता है कि द फ्रंट हैच, सामने वाला दरवाजा, वाज थ्रोन ओपन, अचानक ही खुला. एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी मैरी आई. वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो जोर जोर से चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर समेस्ट, डेक्स, जो डेक्स हैं वो टूट गए हैं. वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं. टेक द व्हील, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम स्टीयरिंग संभालो. आई शाउटेड, मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा तुम स्टीयरिंग संभालो. एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं उस सामने वाले दरवाजे से आगे बढ़ा. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह लैरी और हर्ब दोनों जहाज के अंदर से पानी को पंप कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियां, हंग एट क्रेजी एंजल्स, जो कि क्रेजी अजीबोगरीब ढंग से या अजीबोगरीब एंगल्स में टूटी हुई लकड़ियां लटकी हुई थी. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड टूवर्ड्स, स्टारबोर्ड जो कि जहाज का राइट ओर का सामने वाला हिस्सा होता है, उसे स्टारबोर्ड कहते हैं. स्टारबोर्ड की जो साइड थी, चूंकि तूफान के कारण, वो बल्ज्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स अंदर की ओर, बल्ज का मतलब होता है अंदर की ओर दब गई थी, अर्थात द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड टू इनवर्ड्स, पूरा स्टारबोर्ड जो कि अंदर की ओर दब गया था. क्लोथ्स कपड़े, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड द टॉयज, और जितने भी खिलौने रखे हुए थे, स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, स्लोस्ट तैरना, वो गहरे पानी में तैर रहे थे. आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैरा, हाफ क्राउल्ड, और आधा रेंगते हुए इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, किसी भी तरह से बच्चों के केबिन में गया. मैंने पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्ट, मैंने उन बच्चों से पूछा. यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, वो बंक के ऊपर बैठे हुए थे ऊपर, वहीं से उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि हाँ हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, सेड सू, सू यानी सुजाने, लड़की सुजाने ने कहा कि लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है.
पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, बम्प कहते सूजा हुआ हिस्सा, अबो हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर उभरे हुए या सूजे हुए बड़े हिस्से पर इशारा करते हुए मेरी बेटी सुजाने ने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, बम्प्ड हेड के बारे में चिंता करने के लिए इस समय मेरे पास कोई वक्त नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, हैमर हथौड़ा, मुझे एक हथौड़ा मिल गया, स्क्रूज मिल गए एंड कन्वेस, और कन्वेस मिल गया, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं संघर्ष करता हुआ पुणे डेक पर वापस आया। विद द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड की जो साइड थी जो बल्ज्ड हो गई थी, बेस्ट ओपन, और थोड़ी सी खुल भी गई थी जहां से कि पानी अंदर आ रहा था, वी वर टेकिंग वाटर विद इच वेव, और प्रत्येक लहर जो भी आती थी उससे पानी अंदर आ रहा था, दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा था। इफ आई कुड नॉट, मैंने सोचा, इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं इसकी कुछ मरम्मत न कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम सब निश्चित रूप से डूब जाएंगे। समहाउ, किसी भी तरह, आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कनवास, मैंने उस कनवास को उस पर फैला दिया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और उस वाटर प्रूफ, उसे वाटर प्रूफ बना दिया, हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो गैप हो गए थे, जो होल्स या छेद हो गए थे जिनसे कि पानी अंदर आ रहा था, उन पर भी मैंने उसको जड़ दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार फिर भी नीचे की तरफ आ रहा था, बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डेफ्लेक्टेड ओवर द साइड, डेफ्लेक्टेड यानी बाहर निकाल दिया गया था, ओवर द साइड एक तरफ, लेकिन अधिकतर पानी जो कि बाहर की तरफ निकाल दिया गया था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग, मोर प्रॉब्लम्स, उससे भी ज्यादा बड़ी समस्याएं उस समय एरोज हो गई, उत्पन्न हो गई, व्हेन आवर हैंड पंप्स, जब हमारा हैंड पंप्स, जो भी हमारे पास हैंड पंप्स थे, स्टार्टेड टू ब्लॉक, वो ब्लॉक हो गए थे विद द डेब्रिस, डेब्रिस कूड़े से, करकट से, गंदगी से, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो कि उस केबिन में इधर उधर तैर रही थी, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप में भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और वाटर लेवल भयानक रूप से, खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आने के बाद, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, वहां हमारे दो स्पेयर हैंड पंप्स रखे हुए थे, हैड बीन रेंच्ड, रेंच्ड मैंने गिर गए थे, वो दोनों भी नीचे गिर गए थे ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड पर अलोंग विद द, और उसके साथ क्या क्या गिरा था, अलोंग विद द फोर स्टे सेल, हमारी एक फोर स्टे सेल, द जिब, जिब गिरी थी, द डिनगिस, डिनगिस एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य मेन लंगर था उसके साथ भी दोनों पंप भी नीचे ओवरबोर्ड पर गिर गए थे। देन आई रिमेम्बर, तब मैं, मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि चार्ट रूम के नीचे हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने एक पाइप से उसे कनेक्ट कर दिया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड, और मैंने अपने आप को थैंकफुल पाया दैट इट वर्क्ड, कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, उस वो रात ड्रैग्ड जो कि मुश्किल से बीती, ऑन विद एन एंडलेस अर्थात एक अथाह, एक बहुत बड़ी रात के रूप में, बिटरली कड़वाहट के रूप में, कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और इस प्रकार के कार्यों में, जैसे पंपिंग करने में, पानी बाहर निकालने में,
स्टेयरिंग, स्टेयरिंग को हैंडल करने में, एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो को वर्किंग करने में, इन कामों में पूरी वो रात जो कि घिसटती चली गई, खिंचती चली गई, बहुत बड़ी हो गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स, हमारे मे डे कॉल से भी किसी भी प्रकार का कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। मे डे कॉल्स वो होता है जब कोई सीप समुद्र में जाता है तो उनका एक सिस्टम होता है जहाँ से कि उन्हें सिग्नल आते हैं कि जहाज सुरक्षित है, जहाज इस समय यहाँ है, वो सब आपस में एक सिग्नल आने पर पता चलता रहता है कि जहाज अभी खोया नहीं, सही है। लेकिन वो कहता है कि मेडे कॉल से भी रेडियो पर हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस, और इसमें कोई आश्चर्य करने की बात भी नहीं थी, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम दुनिया के दूरवर्ती कोने पर थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। सुइस हैड, अर्थात उसकी बेटी सुजाने, हैड स्वोलन अलार्मिंगली, अर्थात मेरी बेटी सुजाने का सिर बहुत अधिक, स्वोलन का मतलब है अर्थात बहुत अधिक उसमें सूजन आ गई थी, बहुत अधिक सूज गया था। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइस, उसके सिर पर जहां वो चोट लगी थी दो बड़ी बड़ी काली आंखें बन गई थी, जिस प्रकार से कि चोट के निशान होते हैं, ये आंखें नहीं थी बल्कि चोट के निशान जो काले पड़ जाते हैं। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने मुझे अपनी बाजू पर, अपनी आर्म पर एक बहुत ही गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस, कि तुमने अपनी इन इंजुरीज के बारे में, इस चोट के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। सी रिप्लाइड, मेरी बेटी ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हाफ लेसन आपका आज हो चुका है, एंड सेकंड हाफ ये लेसन होगा कल की क्लास में, जो कि कल आधा लेसन इसका पढ़ाया जाएगा।